I don't want to spend too much time on that because we're already 12 minutes. And got a bit delayed. But as you all know, this is now getting into 50 plus days of being lockdown. And it has been a trying time for a lot of people. And I want to really just start off straight away with you, Dr. Malhotra. We'll conduct this conversation in Hindi and English. आपके हिसाब से ज्यादातर जब लोग आपके पास आजकल आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद तो उनके कंप्लेंट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को इस माध्यम से, आपके माध्यम से अद्वैत, आई थिंक सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन सबका आशीर्वाद भी चाहूंगा। और शायद क्योंकि मन से छूने वाली बातें करूंगा तो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इनके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। जहां तक सवाल है किस तरह के लोग आजकल कॉल करते हैं, एक तो जो बहुत अधिक नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं, काफी अधिक नेगेटिव कंजम्पशन हो रहा है न्यूज का, उसके चलते कई बार घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता, नींद ठीक से ना आना और हर समय का एक फिक्र कि कल कैसे होगा, कैसे आगे गुजर बसर होगा। फाइनेंशियल इश्यूज को लेके भी टेंशन है लोगों के जहन में कि कैसे बिजनेसेस जो हैं, खासतौर पर जिनके स्मॉल स्केल बिजनेसेस थे, वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे इस पूरे पीरियड में। ये इस तरह के सवाल लेकर लोग अक्सर अप्रोच कर रहे हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसमें नींद को लेकर परेशानी है, भूख ठीक से नहीं लग रही है, हर समय नकारात्मक यानी नेगेटिव सोच हावी हो रही है और घबराहट बेचैनी के साथ साथ मन उदास है, किसी काम में जैसे मन नहीं लग रहा है और नींद की साइकिल खासतौर पर काफी खराब है। और ऐसे में काफी इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि सोशल मीडिया का यूज ज्यादा हो रहा है क्योंकि खाली समय कुछ अधिक बढ़ा है लोगों के पास, और उसके चलते कई बार ट्रोलिंग के भी लोग शिकार होते हैं। तो उसी टॉपिक पे शायद आज की हमारी चर्चा भी है कि कैसे, किस तरह से खुद को बचाया जाए इन नेगेटिव थॉट्स के साथ, इस नेगेटिव बिहेवियर के साथ अपना बचाव किस प्रकार किया जाए। जी, क्योंकि एक तो कनेक्टेडनेस बढ़ी गई है, क्योंकि अगर हम पिछले जमाने में देखें, जैसे 1918 का स्पेनिश फ्लू था, तब भी लोगों ने ऐसे ही प्रिकॉशंस रखे थे, थोड़े दूर हट गए थे एक दूसरे से। उस समय की बात की तो शहर छोड़ दिया और गांव में बस गए टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर। हमको अब लगता है इस जमाने में कि हाँ, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल, नॉट एक्चुअली डिस्कनेक्टेड। पर हालांकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया, बिकॉज व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड पीपल आर गोइंग टू चेंज इन अ बिग वे एंड मोर कंपैशन और एम्पैथी और ये चीजें सामने आएंगी। पर मुझे जो सोशल मीडिया पे मिला कि काफी हद तक लोग 5904 और भी थोड़ा अपने इंट्रेंच्ड हो गए हैं अपनी इश्यूज में और लड़ाई झगड़े में। तो नेगेटिव फेक न्यूज बढ़ गई है, लड़ाई झगड़ा दिखने बिल्कुल। आपने बड़ा रेलेवेंट पॉइंट उठाया है यहाँ पर, क्योंकि अब घर में जितने भी लोग हैं जो रह रहे हैं एक साथ, एक तो वहां पर भी थोड़ी कहा सुनी हो रही है क्योंकि आप एक दूसरे को कुछ अधिक देख रहे हैं, कुछ ज्यादा समय आप एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। हर चीज के अच्छाई भी निकल के आती है और कुछ कमियां भी उभर के आती हैं हर सिचुएशन में। और दूसरा, इंटरनेट पे भी कुछ लोग जो हैं, बजाय इसके कि कहीं सहानुभूति मिले, कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच मिले, कहीं कुछ हेल्प के टिप्स मिले, वहां पर भी कुछ ट्रोलिंग के शिकार हो रहे हैं लोग। तो दोनों प्रकार से स्ट्रेस लोग बताते हैं। जहां तक हम बात करते हैं साइकैट्री और साइकोलॉजी के अंदर, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशंस की। और जब हम एक्सप्रेस्ड इमोशंस की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कटाक्ष कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं अपने पार्टनर को, बच्चों को, पेरेंट्स को या पेरेंट्स बच्चों को। तो जहां पर कुछ लोग रहते हैं वहां पर कई बार हम कुछ ज्यादा रिएक्ट भी करने लगते हैं, कई बार सुपरलेटिव्स यूज करते हैं, कई बार गलत एग्जांपल्स देने लगते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं एक्सप्रेस्ड इमोशंस, जिसमें क्रिटिकल कमेंट्स हैं या जिसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स है कि बस और मैं नहीं अब झेल सकती या झेल सकता, ये बहुत हो गया, अब मैं नौकर नहीं हूं, नौकरानी नहीं हूं, इस तरह की जब बातें और इस तरह की जब हम शब्दावली इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर को जन्म देती है। और हमेशा याद रखिए कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में तब्दील होता है
और हमारे विचार कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं में यानी हमारे इमोशंस में तब्दील होते हैं. सो इट्स द सिचुएशन विच इज लिंक्ड टू योर थॉट्स एंड योर थॉट्स आर लिंक्ड टू द इमोशंस. तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फिल्टर मैकेनिज्म जो है हमारे थॉट्स का रहता है, जो बड़ा जबरदस्त कंट्रोल मैकेनिज्म भी बन सकता है अपने लिए और अपने सुखद जीवन के लिए भी. तो यदि एक फिल्टर वहां पे हम रखें दिमाग के अंदर कि कोई भी इंसान जो है या कोई भी सिचुएशन जो है वो हमें दुख नहीं पहुंचा सकती, प्रोवाइडेड हम उस पर एकदम लपक के रिएक्ट ना करें, हम उसको पहले आंकें, उसको पहले उसका आकलन करें, उसको वे करें अपने दिमाग में कि उसमें क्या चीज पकड़ने वाली है, क्या चीज छोड़ने वाली है, और किसी को भी अपना जज ना बनाएं और एकदम से किसी के जज ना बन जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी होता है कि हम रिएक्ट करते हैं एज इंडिविजुअल्स और हम बहुत जल्दी जजमेंट्स दे देते हैं और ओवर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं किसी के विषय में भी. और खास तौर पे जब हम सोशल मीडिया के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर क्योंकि रीच बहुत अधिक है, बहुत लोग कनेक्ट होते हैं, आप यदि किसी एक को भी ट्रोल कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपके बिहेवियर को भी साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं. बेशक आपको किसी ने परेशान किया सोशल मीडिया पे, पर आपने कैसे रिएक्ट किया इसको भी सार्वजनिक रूप से लोग देख रहे हैं. तो हमें इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए, बिकॉज अक्सर लोग हमें ऐसे भी कॉल करते हैं कि हमने कुछ ऐसा लिख दिया है, कुछ ऐसा बोल दिया है सोशल मीडिया पे जो हम वापस लेना चाहते हैं. और क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक बार चीज चली जाए तो काफी लोग एक बार में देख लेते हैं, बहुत बड़ी इसकी रीच है. तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि फिल्टर मैकेनिज्म आपके पास है, कंट्रोल आपके हाथ में है कि आपने किस बात को इंपॉर्टेंस देनी है और किस बात को आपने थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखना है. क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको ट्रोल कर रहा है उसका एक ही उद्देश्य है, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करे, एक स्ट्रेस पैदा करे या किसी तरीके से उसकी तरफ आपकी अटेंशन जाए. आपने उस तरफ बहुत अधिक अटेंशन नहीं देनी और बहुत सोच समझ के लॉजिक के साथ, यदि जवाब देना है तो लॉजिक के साथ देना है, इमोशनल प्रवाह में नहीं बहना है. जी जी डॉक्टर, वी व्हाट वी डू आल्सो ऑन दिस शो, हम लोग लाइव क्वेश्चंस भी लेते हैं. तो एक मंदिरा कपूर जी का क्वेश्चन आया है, व्हाट डू वी डू फॉर किड्स हु आर स्टार्टिंग टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एज वेल एंड हु आर नॉट बीइंग एबल टू स्लीप एट नाइट एज दे आर नॉट अलाउड आउट एट नाइट, सो इट्स गेटिंग टू बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन. आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड वी आर फेसिंग मंदिरा जी दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेनी पीपल. The fact is because there is no structured routine to the day at the moment. So by and large, children are left to themselves. And since they are not that very disciplined at times, so the sleep-wake cycle has become quite disturbed. मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा आप structure अपने जीवन में रखें, irrespective of whether schools are open or schools are closed, or whether colleges are open or colleges are closed, or whether our work environment allows us in or not. We have to make sure that we have a little structure to the day. यानी हमें रात को एक समय निर्धारित करना है जब परिवार के सदस्य लेटे सोने के लिए, और उस समय हमारे मोबाइल फोन्स जो है बंद होने चाहिए. कहना आसान है, मानते सुनते नहीं है लोग अधिकतर, पर यदि इसका पालन हम कर लें तो ये देखा गया है कि ब्रेन में एक एरिया है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और वहां से मेलेटोनिन नाम का एक सिक्रीशन होता है, केमिकल का, हार्मोन का, जो हमें नींद में सहायक होता है. और ये देखा गया जो पीनियल ग्लैंड है, जो हाइपोथैलेमस है, ये इस चीज को रेगुलेट करते हैं मेलाटोनिन को. तो जब पीनियल ग्लैंड उसको रेगुलेट कर रहा है सिक्रीशन को, तो बहुत जरूरी है कि रात को 11 से 6 बजे की जो नींद है उसकी क्वालिटी इज मच बेटर देन द क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर आप दिन में सो रहे हैं. बच्चे अक्सर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, मैं कई स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ भी जुड़ा हूं और वहां जब इस बात को लेके आता हूं सामने, तो यही आर्ग्यूमेंट होता है कि सर अगर हम दिन में सो जाएं तो हमारा नींद का तो हमने पूरी कर ली. आप कहते हैं 6 से 8 घंटे की अवधि होती है, हमने नींद पूरी कर ली, पर वो क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी इतनी अच्छी नहीं होती अगर आप दिन में ज्यादा सोते हैं. आपको रात के समय 11 से 6 अगर आप सो जाएं उस पीरियड में, वो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप है. ऐसा देखा गया रिसर्च स्टडीज में कि डेल्टा स्लीप जो साउंड स्लीप है वो सबसे बढ़िया आपको इस फेज के अंदर दिखती है, उसकी रेशियो इसमें कहीं अधिक होती है. तो क्वालिटी ऑफ स्लीप जो एक रिजुविनेशन का काम करती है, स्लीप जो हमारे ब्रेन का एक रेस्टोरेटिव फंक्शन है, हमारे बॉडी के लिए ब्रेन का तंदुरुस्त रहना बहुत आवश्यक है. क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि हम इन्वर्टेड ट्रीज की तरह हैं, हमारी जड़ें जो हैं इस पेड़ की यहां पर हैं, और अगर हम अपनी खुराक अच्छी नहीं रखेंगे जड़ों की तो फिर हमारा पेड़ कैसे फलेगा फूलेगा. और दूसरा मैं ये भी कहता हूं कि एक अगर आप रिदम बांध लें, एक दिन में आपको नींद ऐसे एकदम से नहीं चेंज हो जाता रिदम जो है, आपको 4-5 दिन लगातार एक समय तय करना पड़ेगा, और उस समय कोई भी स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज नहीं करनी. रात को बहुत कॉफी पी के नहीं सोना है, स्मोक जो लोग करते हैं रात के समय स्मोकिंग नहीं करनी है,
ये जब चीजें हम करते हैं तो हम स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने ब्रेन को, तो वो कैसे सोएगा उस समय? या अगर हम मोबाइल लेके बैठे हैं, कुछ बच्चे गेमिंग में लग जाते हैं बहुत ज्यादा, जब इन चीजों में आप पढ़ते हैं तो आप गुस्सैल भी होने लगते हैं, बिकॉज वो स्ट्रेटेजिक वायलेंट गेम्स हैं। जब आप वो सब देखते हैं कंटेंट, तो आप अपने ब्रेन को वही वायलेंट फॉर्डर दे रहे हैं, उससे आपको वायलेंट थॉट्स बनते हैं, उससे आपको वायलेंट ड्रीम्स आते हैं, और आपको नींद भी सही तरीके से नहीं आती है। तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो स्लीप हाइजीन टिप्स, जिसमें हम कहते हैं कि रात के समय आप एक समय निर्धारित कर लीजिए 10 से 11 बजे या हद 11 बजे तक बिस्तर पर लेटने का रोज के माफिक, तो आपका सिस्टम सेट हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे एक छोटे बच्चे का सिस्टम सेट करते हैं, वैसे सेट कर रहे हैं, और यहाँ तो कुछ गलत सिस्टम सेट हुए हुए हैं, तो पहले उनको अनलर्न करके दोबारा से लर्न करना है, तो उसके लिए लगातार ये चीज करनी पड़ेगी, और इसके लिए पूरे परिवार को प्रयास करना पड़ेगा। हम खाली बच्चों को कहें आप सो जाओ और हम जग रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक ऐसा आपको माहौल बनाना पड़ता है जब सब लोग पीसफुली बिस्तर पे लेटे, और ये पक्का एक आपस में प्रॉमिस कर लें कि हमने मोबाइल को एक जगह रख देना ऑफ करके, हमने रात को मोबाइल को नहीं छेड़ना है, क्योंकि एक प्रकार की डिपेंडेंस, एक प्रकार की एडिक्शन हो रही है इन चीजों की, जो हमारे जीवन के सुख चैन को हमसे छीन रही है। अंग्रेजी की कहावत है दैट माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, सो हाउ डू यू इन दिस टाइम जब ज्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए, हाउ डू यू प्रिवेंट नेगेटिव ऑब्सेसिव रेपिटेटिव थॉट्स इन योर माइंड, हाउ डू यू गेट अवे फ्रॉम दैट? बहुत रेलिवेंट सवाल है, और मंदिरा जी के ही सवाल के जवाब को आगे बढ़ाते हुए और आपके सवाल को साथ जोड़ते हुए मैं कहूंगा कि देखिए, दिमाग हमारा जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम उसको खाली बैठा लेते हैं, जैसे आपने कहा खाली दिमाग शैतान का घर है, तो बहुत जरूरी है कि अपने अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, आपके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अनुसार आप कुछ क्रिएटिव हॉबीज में एंगेज करें। बच्चों का अक्सर ये कहना है कि आजकल कुछ करने को नहीं है, हमें खुद से ढूंढना होता है हमें क्या करना है। इंसान कम से कम चीजों में भी बहुत खूबसूरत चीजें बना सकता है, तो ये अपने हाथ की कला है। बच्चों को खासतौर पर हमें सेल्फ हेल्प स्किल्स भी सिखानी है। अक्सर हम क्या करते रहे, उनको हम बहुत फूलों की तरह, नाजों की तरह पालते हैं, पर कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि उन्हें जिंदगी में खुद दुनिया को फेस करना सीखना है, जो असली लाइफ स्किल है। कुछ अडेप्टेशन स्किल्स हैं। ये कोविड का जो टाइम है जिसमें लोग अब घर पे बंद हैं, ये बहुत कुछ सिखा रहा है। जब बहुत कुछ सिखा रहा है ये कि कम से कम जरूरतों में भी जिंदगी कैसे हम जी सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर अभी नहीं सीखा तो फिर कब सीखेंगे, जहां इतना समय परिवार के सब सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए भी निकल के आ रहा है। बहुत अच्छा समय है फैमिली बॉन्डिंग के लिए, कुछ बोर्ड गेम्स खेलने के लिए। हम अक्सर याद करते हैं बचपन में कैसे हम कार्ड्स खेलते थे, लूडो था, कैरम था, इस तरह की गेम्स खेलते थे। आजकल ये सब चीजें कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही हैं, और हम सब मोबाइल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अधिक उलझ गए हैं। जो एक वर्चुअल फील्ड है वो रियलिटी तो नहीं है, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़े इस फेज के अंदर, इमोशनली जुड़े, पॉजिटिवली बॉन्ड करें। और दूसरा सेल्फ हेल्प, अपने जब हम काम करते हैं पूरे दिन में सेल्फ स्टडी करते हैं, पढ़ाई केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है और पढ़ाई केवल ऑनलाइन भी सीमित नहीं है, अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी करना है। हम में से कितने बच्चे ऐसे होंगे इनके जिनके जो लगातार खुद भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि बच्चे भी खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती हैं, और जब हम ये सीख जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी बोर्डम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर वो लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं जाता, व्यवस्था के हाथ में नहीं जाता, वो हमारे अपने हाथ में आ जाता है। और जब उस खुशी की चाबी, उस पूरे दिन की दिनचर्या की चाबी अपने हाथ में है, तो फिर हम किसी पे गिरा शिकवा भी कम करते हैं। जब हम खाली समय होता है हमारे पास, तो हम गलत गलत तरीके से अटेंशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अजय जी ने एक सवाल किया है कि इस लॉकडाउन में चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा जा रहा है, नहीं मन इधर उधर आता है, इसके विषय में कुछ बताइए सर। देखिए बहुत रेलेवेंट सवाल है। एंजाइटी, मैं अक्सर बोलता हूँ, जो घबराहट है ना वो गुस्से का रूप अख्तियार कर लेती है, क्योंकि घबराहट के साथ बेबसी जुड़ती है। तो हम कहते हैं एंजाइटी लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, एंड हेल्पलेसनेस ब्रीड्स फ्रस्ट्रेशन, एंड फ्रस्ट्रेशन परकुलेट्स इनटू एंगर। ऐसा मेरा मानना है कि जहां पर आप अपनी घबराहट यानी बेचैनी को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुस्से में तब्दील हो रही है। तो किस बात की व्याकुलता है, किस बात की घबराहट है, उसको हमें एड्रेस करना है। बहुत डिपेंड करता है हमारी सोच पर, और बहुत डिपेंड करता है हम किस तरह की चीजें ग्रहण कर रहे हैं। जो हम ग्रहण करेंगे, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं,
जिस तरह का बिहेवियर हम कर रहे हैं या जिस तरह का बिहेवियर हम अपने देख रहे हैं, वो सब चीजें तब्दील हो रही हैं हमारे विचारों में। और उन विचारों में यदि हम केवल नेगेटिव चीजें भर रहे हैं तो वो नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। उसमें एक सवाल ये हो सकता है कि भाई ये कब तक चलेगा, दूसरा हो सकता है मेरा तो व्यवसाय ठप हो रहा है, तो उससे इरिटेशन बन रही है, घर वाले मेरी बात ठीक से सुन मान नहीं रहे हैं, तो आप एक बेबसी जो है वो आपके दिमाग में पनप रही है। फिर जरूरी यहीं पे है कि आप पॉजिटिव चीजें लाने की कोशिश करें अपने दिमाग में। ये समय अगर है, अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यवसाय में हैं, आपको लगता है इस समय उसका आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम पैरेलली क्या चीज कर सकते हैं, हम किस तरह का टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं ताकि इसी समय को हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से सकारात्मक रूप से यूटिलाइज कर सके। एंड वंस वी स्टार्ट चैनलाइजिंग आवर एनर्जीज टुवर्ड्स पॉजिटिव डायमेंशन एंड डायरेक्शन, इट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। द अदर थिंग इज व्हेन वी स्टार्ट कंट्रोलिंग अदर्स अराउंड अस, जब हम बहुत ज्यादा इर्द गिर्द चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। डॉक्टर, वन थिंग इज हैपनिंग, यू नो, कॉन्स्टेंटली वन इज सीइंग इमेजेस ऑफ बॉडी बैग्स, ऑफ सिकनेस, ऑफ डेथ, ऑफ डॉक्टर्स। अ लॉट ऑफ पीपल आर गेनिंग अ लॉट ऑफ फियर अबाउट देयर ओन पर्सनल हेल्थ, जो हेल्थ एंजाइटी हम कहते हैं, यू नो, कि अलग अलग चीजें मन में कि मुझे ये कोविड ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, क्या हुआ अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया या कोई और इश्यू हो गया तो हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में चेक कैसे कराएं, दीस काइंड ऑफ कंसर्न्स आर आल्सो ग्रोइंग इन। देखिए, इसमें कुछ हद तक कंसर्न सही है ताकि हम बचाव के साधन जुटा सके। इस समय प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, इस समय इस बीमारी से लड़ने के लिए। पर फिर ये देखिए कि आप किस तरह की न्यूज को पकड़ रहे हैं। जब हमारा मन व्याकुल है, घबराया हुआ है, हमारी एंग्शियस प्री डिस्पोजिशन है, या जिनको हम कहते हैं जिनका थोड़ा सेंसिटिव टेम्परमेंट ज्यादा है, वो लोग क्या करते हैं, वो एक कोई नेगेटिविटी अगर हिट कर गई तो उसी के बारे में बार बार दिमाग चुगाली करता है, यानी दोज थॉट्स बिकम फिक्सेटेड इन द हेड। हम ये मानते हैं कि दिमाग में एक केमिकल है सेरोटोनिन, जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है इस तरह के थॉट्स को फिल्टर आउट करने में। हम सुबह ये सोच के नहीं उठते कि आज हमें कोविड इन्फेक्शन हो गई, पर अगर इस तरह के थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं और हल्की सी खांसी को भी हम मान रहे हैं कि हमें कोविड हो गया है, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव स्वभाव को भी दर्शाता है और एक नकारात्मक सोच को भी दर्शाता है। तीसरा, अगर हम ध्यान से पढ़ें जो न्यूज है और जो मेडिकल लिटरेचर आ रहा है, उस पर ये भी बातें सामने आ रही हैं कि लगभग 80% के करीब लोग जो है उनको हल्की फुल्की खांसी या बुखार होता है और वो हेल्दी रूप में ही इसमें से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें कोई ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क नहीं होता है। जो 20% लोग हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उनमें से भी बहुत कम प्रतिशत ऐसे हैं जो आईसीयू तक पहुंचते हैं या जिनको फिटेलिटी का रिस्क है। अब उसमें आप देखिए, अगर परसेंटेज में तब्दील करें तो इससे कहीं ज्यादा परसेंटेज डेली एक्सीडेंट्स की होती थी सड़कों पर, इससे कहीं ज्यादा और बीमारियों से लोग ग्रस्त होते थे और उससे भी गुजरते थे। तो आज उस चीज को हमने बहुत ज्यादा मन में डर बैठा लिया है। डर नहीं बैठाना, क्योंकि डर के बारे में सोच सोच के तो डर और बढ़ेगा। ये तो ऐसी बीमारी है डर, जो बढ़ती चली जाएगी जितना हम इसके बारे में सोचेंगे। हमने देखना है कि हम बचाव के क्या साधन जुटाएं। सो व्हेन आवर अप्रोच चेंजेस फ्रॉम प्रॉब्लम और जस्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, जब हम उसकी कोई ना कोई एक उसका हल निकालने का कोशिश करते हैं, तो फिर हमारा डर जो है कम होने लगता है। और हल में भी हमारे हाथ में क्या है, कुछ हल तो सरकारों के हाथ में है कि भाई सैनिटाइजेशन होनी चाहिए सड़कों की, जगहों की, खासतौर पर जहां गैदरिंग की संभावना है उस सब जगह पर क्लीनलीनेस होना चाहिए। ये चीजें तो सरकार ही है, उनके हाथ में है, केवल उसके बारे में क्रिप करते रहेंगे तो हम तो कंट्रोल खो देंगे अपना। अपना कंट्रोल क्या है कि हम अगर बाहर घर से निकलते हैं तो जरूरत पड़ने पर ही निकलना है, अनावश्यक रूप में हमने घरों से बाहर अभी नहीं निकलना है जब तक कि आदेश ना मिले। दूसरा, हम अगर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकलना है, हमने हाथ में ग्लव्स रखने हैं ताकि हम एक दूरी बना के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग, 6 फुट की दूरी हमने लोगों से मेंटेन करके चलना है, क्योंकि ये माना गया है कि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है और ड्रॉपलेट्स जो है वो 6 फुट की दूरी तक गिर सकते हैं यदि कोई आदमी सामने खड़ा है तो। उसकी बात करते समय, जब हम मास्क पहन रहे हैं तो हम दूसरों का भी बचाव कर रहे हैं, तो यदि कोई मास्क पहन के मेरे पास आता है यानी उसने मेरा बचाव किया, तो इस समय हमने केवल अपना नहीं, हमने अपने परिवार का सोचना है और परिवार ने केवल अपना नहीं अपने समाज का सोचना है। तो इसी तरीके से वी हैव टू क्रिएट अ वी फीलिंग, मैं अक्सर बोलता हूँ, ओवर मी फीलिंग, यानी केवल मैं के विषय में नहीं सोचना, निजी स्वार्थ के विषय में नहीं सोचना, मुझे क्या चाहिए वो नहीं सोचना। इस समय देखना है कि हम क्या दे सकते हैं ताकि ये जो चेन है इन्फेक्शन की, इसको हम कुछ हद तक रोक सकें, कुछ अच्छे रूप से इसको कर पाए हैं,
जिसमें समाज का बहुत अधिक योगदान रहा, वहां के लोगों का बहुत अधिक योगदान रहा। कुछ कंट्रीज जो हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, हम अपने बच्चों को ये जीवन शैली सिखाएं, हाइजीन सिखाएं। बहुत अच्छा मौका है हाइजीन के टिप्स सीखने का। हम लोग हाथ धोते थे अक्सर खाली, एक दो सेकंड लगाए और धो लिए। आपको 20 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं, उसकी क्रिया भी दिखाई जा रही है, टेलीविजन में भी दिखाई जा रही है, इंटरनेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कम से कम 20 सेकंड तक आगे पीछे पिछला हिस्सा, अंगूठे, अपना जो तले हैं हाथों के ये हिस्सा आपने अच्छे से धोना है 20 सेकंड लगा के, जिससे कि आप उस वायरस को खत्म कर सकें, आपकी बॉडी के अंदर वो वायरस ना घुस पाए। डॉक्टर, देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर श्रीवास्तव जी एंड प्रीति पुरी। दे आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग अबाउट द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी दैट यू मे हैव हर्ड अबाउट, विच वॉज द बॉयज लॉकर रूम। एंड यू नो, increasingly we have a situation where young people, especially teenagers, get a lot of screen time, have access to a lot of imagery, advertising, films, internet content, which is highly sexualized. And you know, there are certain news also, you know, gives you all kinds of messaging about women and about crime against women. This all seems to have erupted in very, very sad situation wherein you know, there was one teenager also who lived in Gurgaon, I believe, who committed suicide because there was a situation wherein he had been accused when he was 15 years old, which was 2 years ago, of having allegedly misbehaved or something of that nature. And I think the shaming of it was too much for him because he started getting messages from friends saying that the police will now interrogate you and all of those things happened, and he could obviously not deal with that kind of stress as a 16, 17 year old. So this has really shaken up people, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी परिस्थितियां हैं, आप अपने बच्चे को इंटरनेट से तो दूर रख नहीं सकते। आजकल बहुत से स्कूल्स के होमवर्क इंटरनेट पे ही होते हैं। So it is a necessity, but how do you monitor? What is the right age? ये इम्पैक्ट, ये साइबर बुलिंग जो चलती रहती है, मैंने बहुत एग्जाम्पल सुने हैं कि छोटे छोटे बच्चे 9 साल 10 साल की उम्र में उनको साइबर बुली किया जा रहा है बाय स्कूलमेट्स। तो पहले का जमाने में, हमारे जमाने में, आप स्कूल जाते थे, कोई आपको परेशान करता था, 4 बजे घंटी बजती थी, इट वॉज ओवर। बट टूडे यू नो दैट कैरीज ऑन विथ यू टू योर होम, टू द वीकेंड, ऑन हॉलीडेज, जो साइबर बुली है वो आपके पीछे ही पड़ा रहता है। So it becomes very stressful for children. आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैं इस पे थोड़ी बात जरूर करूंगा। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत संवेदनशील विषय है, बहुत सेंसिटिव इशू है ये, और बहुत पेनफुल रियलिटी भी है। मैं भी कई स्कूल्स के साथ जुड़ा रहा हूँ और कई बच्चों के संपर्क में भी आता हूँ, क्लिनिक्स में भी और वैसे भी। और मैंने जो देखा है कि ये जो उम्र है बच्चों की, खासतौर पर आज के युग में, दुखद बात यह है कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंटिंग जो है वो केवल पेरेंट्स तक सीमित नहीं रह गई है। अद्वैता, हमारे समय पे पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, जॉइंट फैमिलीज थी, तो कई तरह के फिल्टर मैकेनिज्म थे और कम्युनिटी लिविंग थी, तो काफी फिल्टर मैकेनिज्म होते थे। यानी कम्युनिटी का कोई बच्चा यदि कुछ गलत करता हुआ दिखता था तो पूरी कम्युनिटी सुचेत होती थी और अपना दायित्व समझती थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी उस बच्चे को अपना समझ के उसको ठीक करने के लिए। टीचर्स भी इस तरह के होते थे कि अगर बच्चा कुछ गलत करता था तो उसको अलग ले जाके समझाने का प्रयास करते थे और ठीक करने की कोशिश करते थे, आज भी करते हैं। दिक्कत सिर्फ यहाँ पे ये आ गई कि आज मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है पेरेंटिंग में और हस्तक्षेप है बहुत अधिक। बहुत छोटे बच्चे बहुत जल्दी बहुत कुछ देख लेते हैं जो शायद उम्र से कहीं अधिक है, और हम ये मानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो धीरे धीरे कंट्रोल सेंटर्स दिमाग के जो है वो डेवलप होते हैं। बच्चा जो है वो कच्ची मिट्टी समान है, उसकी पर्सनालिटी जो है मानते हैं हम लोग कि भाई 16 से 18 साल की उम्र के बीच में क्रिस्टलाइज हो जाती है काफी हद तक। पर ये भी देखा गया है कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है और खासतौर पे जो कंट्रोल सेंटर्स हैं उनकी डेवलपमेंट 25-30 साल तक, लोग कहते हैं स्टडीज के अंदर कि तब तक वहां पे शेपिंग चल रही है, रीशेपिंग चल रही है, वो एरियाज डेवलप हो रहे हैं, वहां की मैच्योरेशन हो रही है। तो ऐसे में अब क्या है, अगर बच्चा 8-9-10 साल का भी है तो वो इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि कनेक्ट तो हो गया, उसके पास औजार भी आ गया, पर उसको भी चलाना नहीं आता।
उसको ये नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है और उसके दूरगामी परिणाम क्या है। और बेसिक इंस्टिंक्ट्स इंसान के सेक्सुअल हंगर और एग्रेशन, ऐसा हमारा मानना है, और ये कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे से ब्रेन के अंदर। अब जब आप इस तरह की चीजों के साथ जुड़ने लगते हैं और आपका फिल्टर मैकेनिज्म जो है वो गड़बड़ा गया है, और फिल्टर मैकेनिज्म क्या है, एक सामाजिक फिल्टर मैकेनिज्म है, या तो इतने कम उम्र के बच्चों को इतना कंटेंट क्यों विजुलाइज हो जाता है, हमारे इंटरनेट में ऐसे फिल्टर्स इस तरह के चाहे कोशिश लोग कर रहे हैं पर पूर्ण रूप से नहीं कारगर से धोते, जिसको ढूंढना है फिर ढूंढ लेता है फिर उसको स्प्रेड कर देता है। दूसरा फिल्टर होता है सामाजिक यानी पारिवारिक, वहां पर इतनी व्यस्त हो गया था हमारी जीवन शैली जो है, कई बार समय नहीं मिल पाता था, बच्चे अपने फोन में भी पासवर्ड्स रखते हैं, माँ बाप को पासवर्ड्स नहीं पता होता, 11-12 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल ना दो तो वो जिद पकड़ लेता है, खाना खाना छोड़ देता है, अपनी मैं मनवाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। तीसरा ये है कि माँ बाप भी शर्मिंदा होते हैं जब उन्हें ऐसी चीजों का पता चलता है, ये नहीं कि वो ठीक नहीं करना चाहते बच्चों को, पर बच्चे भी कहीं ना कहीं ठीक होना चाहते हैं, जरूरी है मार्गदर्शन, जरूरी है थोड़ी सी ओबीडियंस, जरूरी है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, और ये चीज हम 16 साल के बच्चे से नहीं शुरुआत कर सकते, ये शुरुआत होती है जब बच्चा बहुत छोटा है, 1-2-3 साल का जब बच्चा है तभी से आप उसकी उंगली पकड़कर कैसे उसको चलाना सिखा रहे हैं, आप उसको सही और गलत की परिभाषा धीरे धीरे अपने उदाहरणों से, आप खुद रोल मॉडल्स हैं, एज पेरेंट्स वी आर रोल मॉडल्स, हमारा अपना व्यवहार किस प्रकार का है, हम किस प्रकार की बातों का, किस प्रकार की चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम घर में किन चीजों को महत्ता देते हैं, बच्चे उन चीजों को सीखते हैं। अगर हम बच्चे को ये सिखा दें बचपन से कि राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दूसरा ये सिखा दें कि जिम्मेदारी जो है वो आपने धीरे धीरे उम्र के अनुसार अपनाते चले जाना है, तो काफी हद तक हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप कुछ गलत करते हो तो उसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, केवल हम एज ए शील्ड हर समय आपको नहीं बचा पाएंगे। अगर ये चीज बच्चे को समझ में आती है तो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना धीरे धीरे सीखता है अपने काम को, अपने बिहेवियर को लेकर। चौथी चीज यहाँ पे जरूरी है कि हमें उसके अंदर जो एक कुछ मॉरलिस्टिक वैल्यूज हैं उनको भी इंस्टिल करने का प्रयास करना है। पहले पंचतंत्र की कहानियां होती थी, इतना कुछ था, इंटरेक्शंस थे, ह्यूमन इंटरेक्शन, ये चीजें जो होती है ना नेगेटिव तरफ जो आदमी का दिमाग जाता है, बच्चों का जाता है, ये सेक्सुअल एक्सप्रेसिव मटीरियल की तरफ जो ज्यादा जाता है, वो तब जाता है जब आपके पास खाली समय है और अनिर्धारित समय है, यानी कोई देखने वाला, कोई अनसुपरवाइज आपको छोड़ रखा है, या आपने अपना ऐसा बना लिया है माहौल कि कोई आपको छेड़ते हुए डरता है और आप अकेले में कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करते जा रहे हैं, तो उस तक, उस नौबत तक नहीं लेके जाना। कुछ बच्चों में कंडक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बच्चा इस तरह से नहीं करेगा बिहेव, जैसा एक केस आया है सामने, इसमें तो गंभीरता से देखें और जैसे उसका खुलासा हो रहा है, मैं बहुत उसमें एक्सप्लिसिटली तो नहीं जा पाऊंगा, पर उसमें ये है कि शायद वो एक महिला है, लड़की है, जिसने अपना अलग फेक अकाउंट खोलकर लड़के के नाम से किसी को इंस्टिगेट किया है और फिर ये देखने के लिए कि वो क्या प्रतिक्रिया करता है। तो इस तरह से जो हम लोगों को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के जो हम तरीके अपना रहे हैं, ये गलत हैं, और ये बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे जो मॉरल फैब्रिक है, हमारे अंदर के जो फिल्टर मैकेनिज्म हैं, कैसे हम उसी समय को क्रिएटिव हॉबीज में, एक्सरसाइज में, बच्चों के अंदर काफी एनर्जी होती है उसको चैनलाइज करना है, उसको सही दिशा देनी है। पहले हम फिजिकल गेम्स खेलते थे, हम थके हुए घर आते थे, उसके बाद होमवर्क होता था, वो करके फिर सोने की तैयारी हो जाती थी, बहुत अधिक मीडिया का हस्तक्षेप नहीं था। आज मीडिया हमारी लाइफ में जुड़ा है, ये है कि 43% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैं आज पढ़ रहा था, 43% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंटरनेट यूज करती है, उसको इंटरनेट एक्सेस है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है ये, और कितनी इसकी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपने एक चीज डाली, बच्चे जो है उनके अंदर एक सेल्फ इमेज होती है, एक सोशल इमेज होती है, हम सब में है, हम सब क्योंकि सामाजिक प्राणी है, हमारे अंदर एक सेल्फ इमेज है और एक सोशल इमेज है, और अगर हमारी सेल्फ इमेज चूर चूर होती है या हमारी सोशल इमेज चूर चूर होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। कोविड तो कुछ महीनों में, शायद एक साल में हम कंट्रोल कर लेंगे, पर ये जो दिमागी घाव होते हैं पर्सनैलिटी के, इनको भर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बच्चे हमारे आगे आते हैं सेल्फ हार्मिंग लेके, खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इतना दुख लगता है जब हम देखते हैं स्कूल्स में कि कई बच्चे ऐसे जुड़ गए आपस में जिन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, वो कहते हैं आप जब तक इस अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप हमारे ग्रुप में नहीं है, और ऐसी चीजें वो अपनी बना लेते हैं अलग से, और किसी को नहीं कई बार पता चलता, टीचर्स को नहीं पता चल पाता, क्योंकि इतना कहां हस्तक्षेप कोई कर सकता है।
फैमिली को नहीं पता होता है, और बच्चे इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की अभद्र भाषा, इस तरह की अब्यूजिव वर्ड्स, इस तरह की अश्लील इमेजेस, इस तरह की मॉर्फ इमेजेस बना बना के एक दूसरे को भेजते हैं कि उनका वो समय जो पढ़ाई में लगना चाहिए या मीडिया का जो सकारात्मक प्रयोग होना चाहिए, ये भी तो एक मीडिया का प्रयोग है जिससे हम आज जुड़ रहे हैं इतनी दूर बैठे हुए, अच्छा प्रयोग है। डॉक्टर मल्होत्रा, एक सवाल आया है बर्नाली जी से, वो आई थिंक टीचर हैं, वो कह रही हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं आप उनमें कन्फाइड करते हैं कि घर एक हंसी मजाक की जगह होती थी, इट यूज्ड टू बी अ हैप्पी प्लेस जब स्कूल से लौटते थे, पर आजकल ये नहीं रहा। तो जब ये बच्चे जो इतने सेंसिटिव होते हैं और घर के एनवायरनमेंट को या यू नो गोइंग्स ऑन को टेंशन सबको है, तो उसमें बच्चे खुद कैसे डील करें? और अगर आप कोई शिक्षक हैं और आपके पास कोई ऐसा बच्चा आए और कहे कि टेंशन है घर में, मैं कैसे कोप करूं, तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको? सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने इमिजिएटली उस टेंशन में कूद नहीं पड़ना, पहली चीज। जैसे अगर आग लगी है, मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, जैसे आग लगी है, बड़ा ग्रॉस एग्जाम्पल है, घर में हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए? पहले उसको पकड़ते हैं किसने आग लगाई है, या पहले हम आग को बुझाने का प्रयास करते हैं? सबसे पहले हम आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, हम उसमें कूदते नहीं है। तो इसी प्रकार से जब कोई इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है परिवार के अंदर, या दो लोगों की आपसी खटपट चल रही है, उसमें इमिजिएटली बिना सोचे समझे किसी की साइड लेते हुए नहीं कूदना है, पहली बात। क्योंकि उस आग के पीछे क्या कारण रहे, किसका कितना कारण रहा, आप जज नहीं है और ना ही बन सकते हैं, और ना ही आपकी जजमेंट को कोई स्वीकार कर सकता है, सिवाय आप खुद के जज बन सकते हैं, दूसरे के नहीं बन सकते। तो जैसे आप जजमेंट देने लगते हैं, जैसे आप तीव्र गति से इमोशन प्रवाह के साथ उसके अंदर कूद पड़ते हैं, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो किसी की सेहत के ठीक लिए नहीं है, और वो उस सिचुएशन को भी और बढ़ा देगा। फिर तीसरा, हमारे सबके पास इमोशनल माइंड भी है और एक लॉजिकल माइंड भी है। जब कभी टेंशन होती है, कभी स्ट्रेस होता है, तो हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, एकदम से उसमें कूदने की कोशिश करते हैं, ये एकदम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के तौर पे इम्पल्स निकलती है। पर उस समय थोड़ा सा लगाम भी कसना है, यानी उन घोड़ों पे थोड़ी सी लगाम रखनी है, पहले समझने का प्रयास करना है कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरे पे सबसे पहले उसका नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। यदि मैं पढ़ रही हूं तो क्या मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ सकती हूं या पढ़ सकता हूं? क्या मैं उसको थोड़ा सा डिफ्यूज करने की कोशिश कर सकता हूं या कर सकती हूं? और अगर मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए उसको ठीक करने का प्रयास कर सकता हूं या कर सकती हूं, पहली चीज। दूसरा, उससे आपने क्या किया, उससे आपने कंट्रोल जो है धीरे धीरे अपने हाथ में लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली, ना कि आप कटघरे में पेरेंट्स को खड़ा कर दिए, या कटघरे में अपने भाई बहन को खड़ा कर दिए, या किसी और को खड़ा कर दिए और कहा जी इसका आप कुछ करिए। ये कटघरे में खड़े करने वाली बात नहीं है, ये अपने अंदर की एक तरह की कोपिंग एबिलिटी है कि आप कैसे उस स्ट्रेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हम मान ही नहीं सकते कि जहां पे दो लोग या दो से अधिक लोग एक छत के नीचे रहते हैं वहां पे विवाद नहीं होंगे। विवाद होंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगी, क्योंकि हर एक की बिलीफ सिस्टम्स, सोचने का तरीका, बिहेवियर का तरीका, उसको प्रोसेस करने का इंफॉर्मेशन को तरीका अलग अलग है, जुदा है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं तालमेल बैठाया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, तबला है उसकी अलग आवाज निकलती है, सारंगी की अलग निकलती है, हारमोनियम की अलग निकलती है, पियानो की अलग निकलती है, पर जब वो साज इकट्ठे बजते हैं और इन सिंक बजते हैं तो ऐसा मास्टरपीस बनता है म्यूजिक का जो सबसे खूबसूरत होता है। ऐसे ही हम किसको बेस्ट शेफ कहते हैं, उसे जिसको सबसे अच्छे से अच्छे चीजें पकड़ा दी जाए, इंग्रेडिएंट्स पकड़ा दिए जाएं और उसको रेसिपी हाथ में थमा दी जाए, या उसको जिसको ऐसे इंग्रेडिएंट्स पकड़ाए जाएं जिसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता कि क्या चीज बनेगी और वो बहुत स्वाद चीज बना दे, किसको अच्छा पायलट कहते हैं? वो जो बहुत अच्छी वेदर में बेस्ट फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा है बेस्ट क्रू और बेस्ट पैसेंजर्स के साथ, या वो जिसके पास डिफिकल्ट पैसेंजर्स है, रफ वेदर है और डिफिकल्ट क्रू है, फिर भी वो सेफ लैंडिंग करता है, सेफ टेक ऑफ करता है, उसको हम अच्छा पायलट मानते हैं। तो फिर अगर हमने अपने अंदर वो एबिलिटी लानी है, वो कोपिंग लानी है, तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारी सोच पे निर्धारित है। हम इमिजिएटली इम्पल्सिव वे में रिएक्ट ना करें, इमिजिएटली जज ना करें। इंटरनेट पे भी अगर हमारे पे कोई छिटा कसी कर रहा है, इमिजिएटली हम घबरा के एक रिएक्शन ना दें, क्योंकि वो हमारा रिएक्शन ही तो चाह रहा है, और वो रिएक्शन केवल वो इंसान नहीं देख रहा, वो रिएक्शन कितने और लोग देख रहे हैं, जिस पे बाद में मुझे दुख लगेगा कि मैंने इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के अपने दिमाग में क्यों किया। घर में आज एटमॉस्फेयर क्यों स्ट्रेस्ड है? क्योंकि यदि पत्नी कोई कार्य कर रही है तो वो ये सोच रही है कि अरे बाबा मैं इन लोगों को खिलाने के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है,
अगर हस्बैंड कुछ कमा के ला रहा है, वो ये सोच रहा है भाई इन लोगों के करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। जब तक हम दूसरे के कारण कुछ कर रहे हैं हम दुखी हैं। जब हम ये करते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो ये मैं खाना अच्छे से बनाऊंगी, हाइजीनिकली बनाऊंगी, प्यार से बनाऊंगी, इसमें प्यार का स्वाद अलग आएगा। यदि हस्बैंड है वो ये सोचता है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ कमा रहा हूँ, इससे मेरे परिवार के लोग उस पैसे को फालतू फेंकेंगे नहीं, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका भी मन और उगता है। वो ये सोच के लाए कि हाँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार, मैं, मेरे परिवार, मेरी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। इस तरह से यदि घर का हर सदस्य, बच्चा भी ये सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, बजाय इसके कि अगर उसको अपनी प्लेट भी उठा के रखनी पड़ती है तो शक्ल बनाते हैं। रचना लूथरा, रचना लूथरा जी पूछ रही है, इट बॉइल्स डाउन टू गुड पेरेंटिंग एंड प्रोवाइडिंग गुड रोल मॉडल्स डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू यू हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर पेरेंट्स टू फॉर्मली ज्वाइन पेरेंटिंग सेशंस और मे बी डिस्कशन ग्रुप्स फॉर बेटर पेरेंटिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। देखिए हमसे कहीं ज्यादा तेज अगली जनरेशन है और उससे भी कहीं ज्यादा तेज अगली जनरेशन आएगी, क्योंकि इनके हाथ में तो मीडिया शुरू से है और ये बहुत कुछ जान रहे हैं, ये बहुत जल्दी बहुत कुछ जान रहे हैं। पर सब कुछ जानना जो है, देखिए समझदारी में और जानने में फर्क है। समझ उम्र के साथ आती है, तजुर्बे के साथ आती है। जानकारी आप किसी भी उम्र में कितनी भी उड़ेल सकते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा जानकारी दे देंगे और आप उस पर निगरानी नहीं रख पाएंगे और आप उस रेस में पीछे रह गए, आप उसका नियंत्रण नहीं कर पा रहे बच्चे का, तो फिर वो तो अपने हाथ से निकल गई सारी कहानी। फिर तो बच्चा अपने अपने मार्ग पे चल पड़ा और अपने तरीके से चल पड़ा, वो आपको भी मैनिपुलेट करना सीख जाएगा। दूसरी बात, ये ऐसे बिल्कुल होने चाहिए सेशंस, वी मस्ट हैव सच सेशंस, वी मस्ट हैव ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो। जैसे बच्चों ने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, पेरेंट्स को भी अपने ग्रुप्स बनाने चाहिए जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें बेशक अपने बच्चे का नाम लेते हुए, क्योंकि देखिए कोई घर अछूता नहीं है, चाहे वो ड्रग यूज है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन है, चाहे वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, चाहे वो पढ़ाई ना करना है, चाहे वो गलत अभद्र भाषा का प्रयोग है, चाहे वो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स है, चाहे वो लैक ऑफ सेल्फ हेल्प स्किल्स है, चाहे वो अपना कार्य टाइम पे नहीं करना है जिसके कारण पेरेंट्स को बहुत शर्मिंदगी सहनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, ये मुद्दा, इसके रेमिफिकेशन बहुत अधिक है। इसके लिए कई एक एक सेशन में कोई भी नहीं इसको कवर कर सकता, और ये भी प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे एक अप्रोच नई अपनाएंगे, नया फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एंड रिजल्ट लेके आए। जब वो एंड रिजल्ट कुछ कुछ अच्छा दिखने लगता है तो आपका हौसला और बढ़ता है, आप और नए फॉर्मूले इस्तेमाल करते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी, इट्स अ नीड ऑफ द आवर टू हैव सच पेरेंटिंग वर्कशॉप्स। हम कई पेरेंटिंग वर्कशॉप्स के साथ जुड़ते भी हैं और जरूरी भी है मुझे लगता है आज के युग में, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत सोर्सेज है। और हाँ, वी हैव टू बी गुड रोल मॉडल्स। अगर हम खुद गलत चीजें कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अलग रास्ता पकड़ लें। हमें, हम उनके सामने वो चीजें कर रहे हैं और उन्हें मना करेंगे तो हम उन्हें टेम्पटेशन भी दे रहे हैं और साथ साथ हम उनसे वो चीजें छीन भी रहे हैं। Which leads me to the next question, doctor, which is from Tanvi Bajaj. She wants to know that there are instances where children go against their own value and belief systems in order to gain acceptance in a group. Could you please talk about peer pressure and ways in which we can help children deal with this? You know, this term is being used very often, quite often, peer pressure. प्रेशर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है nobody can create pressure for us. Pressure is something that we create for ourselves. I'll again repeat, nobody can create pressure for me. Pressure is something that I build within myself. Now it is up to me whether to put that priority to the particular issue or not. The second thing is, खासतौर पे बच्चे जिनकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी कम है, children with a low self esteem or a need to belong or a need to be a part of the group, at times they succumb to such pressures. But I tell you, if the child is constructively engaged in some good hobbies, and if the child is also busy in getting to learn new skills and developing those skills, then that child gains the kind of importance that the child wishes to from the right methodology, rather than becoming a part of a group or feeling isolated if not being a part of a group. The other way of diffusing it would be, one is a personal level, the other is a social level or a school level, wherein through counselors, through teachers, and through peer group training also, we can perhaps instill this thought process. And we have been trying to make such efforts wherein being a part of a group on those terms and conditions which are not right is not the fad, it is not something good.
एंड एनीबडी हु ट्राइज टू डू दैट इज परहैप्स लाइक अ बुली एंड बीइंग अ विक्टिम टू दैट बुली और दैट बुलिंग बिहेवियर इज नॉट समथिंग विच इज गुड फॉर यू बिकॉज टुडे इट इज दैट पर्टिकुलर ग्रुप टुमारो इट कुड बी अनदर ग्रुप थर्ड डे व्हेन यू रीच कॉलेज परहैप्स समबडी एल्स यू वुड ऑलवेज ब्लेम समबडी टू फॉलो द रॉन्ग फुटस्टेप्स You have to take the onus of responsibility. The sooner you start, the better you would feel. Then later you would not be bullied by your employer. You will not be bullied by anyone else in the world. You will be on your own and you would be able to cope with the stresses better. But do develop skills. Do develop a structured regime and a little discipline to your life, which is in your hands. These are things which are in your hands. And they are the ones which are responsible for building self-esteem. These are the ones which should also win you social recognition and social esteem. And I think it is important to find the right path for yourself rather than going astray and becoming weak-willed and succumbing to such negative so-called peer pressure, you know, which I feel is something in your hands, not in the hands of the peer. Doctor, you know, I have to say that aapka jo session hua सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सेशन अभी तक हुआ है. ऑनलाइन भी अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत लोग लाइव देख रहे हैं और हमारे पार्टिसिपेंट्स संख्या भी ज्यादा थी और बढ़ती गई और लोग अभी एक घंटे होने को आ रहा है और लोग निकले नहीं है. दिस इज अ गुड साइन क्योंकि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को लेके इतना टैबू है, इतना स्टिग्मा है कि लोग हिचकिचाते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं, आपसे फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहेंगे इवन इफ दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज. तो आपको क्या लगता है कि ये एटीट्यूडनल चेंज समाज में कब आएगा? क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी थी कि डिप्रेशन फॉर एग्जाम्पल इज लाइक द कॉमन कोल्ड ऑफ द माइंड. तो बहुत लोगों को होता है. इनफैक्ट दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस भी इसके बारे में बहुत खुल के बोली हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो हिचकिचाहट है, ये जो डर रहता है, लोग सोचते हैं कि मुझे पागल कह देंगे और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास चली गई या चला गया या बच्चे को जाना हो, क्या एडवाइस देते हैं इन लोगों को? सोच रहे हैं कि पता है उनको कि जाना तो है, कुछ हेल्प तो चाहिए, पर अपने आप को रोक रहे हैं हेल्प लेने से. अद्विता, बिल्कुल इसी बात को आगे करते हुए मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं और जब वो ठीक होने की कगार पर होते हैं तो कहते हैं कि सर, हमें पहले अगर पता होता ना इस बारे में तो हम कितने साल परेशान रहे, इतने महीनों अपने आप को एक सजा देते रहे, भट्टी में खुद को झुलसते रहे, जबकि इसका बड़ा आसान सा इलाज था. ऐसे ही हमारे कई साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी शेयर करते हैं अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को. मैं ये कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं कि समाज इवॉल्व करता है और पहले के समय क्या था कि फिजिकल लेबर थी, एक्सरसाइजेस थी, हर काम आदमी खुद करता था. आज हम कलयुग में हैं, कल यानी कल पुरुषों का युग, तो हम कहीं ना कहीं मशीनी युग में जी रहे हैं जहां हर काम हम मशीन के ऊपर फेंक रहे हैं. कल को एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, हर काम जो है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेस को हम कम करते जा रहे हैं. उसमें क्या है, खाली समय बढ़ता जा रहा है. जब खाली समय बढ़ रहा है तो जैसे आपने कहा, आइडल माइंड बिकम्स अ डेविल्स वर्कशॉप, तो दिमाग जो है वो नकारात्मक रूप पकड़ता चला जाता है. उसमें स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और आपने स्ट्रेस अपने दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर लिया थ्रू नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस. हर चीज में इतनी नेगेटिव हमारी जो चीजें होती हैं उसको दिमाग बहुत जल्दी पकड़ता है क्योंकि उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है हमारा, बचाव का. तो हम नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और कई बार वो एक ऑब्सेशन में तब्दील हो जाता है, वो कई बार डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, कई बार वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाता है और कई बार कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी तब्दील हो जाता है या फिर नशे में तब्दील हो जाता है. कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर देखा गया कि सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, कुछ लोगों के डोपामिन एक्सेस हो जाता है, कई तरह के रसायन है दिमाग के अंदर. तो जब हम, आपने कहा, कॉमन कोल्ड के लिए भागते हैं डॉक्टर्स के पास, तो फिर इन चीजों का उपचार समय रहते क्यों नहीं कराते हैं? शायद ही कोई दुनिया में ऐसा परिवार होगा जो कहे, मैं अछूता हूं, मेरे को कभी कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करना पड़ा अपने परिवार में. शायद ही कोई ऐसा परिवार हो. और ये संख्या धीरे धीरे, अगर आप आंकड़े देखें, तो बढ़ रही है टेंशन की, क्योंकि पहले एक कम्युनिटी लिविंग थी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटे हुए थे, आज एक इंसान बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है. और शायद कोविड हमें ये चीज सिखा रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन करना है लाइफ को. जो एक तेज रफ्तार अंधाधुंध एक हर्ड मेंटालिटी के साथ रैट रेस चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने की आवश्यकता कुछ हद तक है. आज जरूरत है अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज करने की, आज जरूरत है पॉजिटिव थॉट्स को इनकल्केट करने की.
जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम महारत प्राप्त करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करें रोज अपने अंदर कि हम 5 पॉजिटिव चीजें करेंगे या सोचेंगे, तो फिर आज कम से कम मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। मुझे कोई दुख दे रहा है सुख दे रहा है अलग चीज है, जब तक हम वो मैं का तराजू नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ठीक नहीं दिशा सोचेंगे। हम आज क्या 5 लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो उसका प्रयास क्यों नहीं करते हैं? जब हम कुछ देने की कोशिश करते हैं जो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से घूम के फिर वापस आती है। और साथ साथ जरूरी है कि इस चीज को रिकॉग्नाइज करें, इसमें कोई पागलपने वाली बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है। और ये शब्द पागल, पागलपना, मेंटल, ये शब्द जो है आजकल हम इस्तेमाल कम करते हैं। हम लोग जो है न्यूरोकेमिस्ट्री की बातें करते हैं, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं किसी को डिप्रेशन है तो भाई सेरोटोनिन कम है, किसी को अगर एंग्जाइटी ज्यादा है हो सकता है सेरोटोनिन कम, नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा है। तो ये तो आपकी बॉडी रिएक्टिव है भाई, आप कोई रोबोट तो नहीं है, आप कोई पत्थर की मूर्ति तो नहीं है जिसपे कोई असर नहीं होगा सिचुएशंस का या एनवायरनमेंट का। तो अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं तो इंसान तो इमोशंस के साथ भीगा हुआ प्राणी है। अब वो इमोशंस के अंदर अगर कोई ऊपर नीचे सांस बज रहा है उसको इलाज करना तो जरूरी है ना, ठीक इसी तरीके से जैसे गला आपका खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है। तो इन चीजों को भी समझिए। और कई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो जुड़ी हैं मन के साथ। जब मन की टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो शुगर लेवल बढ़ता है लोगों का जिन्हें डायबिटीज है, या जिन्हें डायबिटीज नहीं वो प्री डायबिटिक स्टेज या डायबिटीज में आ जाते हैं। ऐसे जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर की दवाइयां 4-4, 5-5 चल रही हैं, पर फिर भी बीपी ऊपर नीचे उछाल मार रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। और फिर वो डॉक्टर्स ही खुद कहते हैं कि आप जाइए और साइकेट्रिस्ट से साथ में ट्रीटमेंट, तो वो घबरा जाते हैं कि हम पागल थोड़ी ना है। अरे भाई स्ट्रेस तो है ना, आपकी बॉडी तो स्ट्रेस को अलग अलग रूप से निकाल रही है बाहर, तो उसको करेक्ट कीजिए। किसी को इरिटेबल बाउल है वो पेट के डॉक्टर को दिखाता रहता है, साथ साथ साइकेट्रिक इश्यूज है उसके, उसको वो एड्रेस नहीं करता। तो एज अ समाज मुझे लगता है इसका मजाक नहीं होना चाहिए। आज कई लोग सामने उभर के आ रहे हैं, और जो मैं जब पढ़ रहा था साइकेट्री तब में और अब में बहुत तब्दीली देख रहा हूँ लोगों के व्यवहार में भी, इसकी एक्सेप्टेंस में भी। और आज तो इतना मुश्किल मिलने को है कि भाई आप देखिए, इट्स वन ऑफ द टॉप नॉच डिसिप्लिन्स दुनिया भर में, इसकी सीट्स ही इतनी नहीं है जहां आपको, आप कहें कि मेरे को आसानी से एडमिशन मिल जाए साइकेट्री। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसके बहुत सारे कहते हैं दूरगामी परिणाम इसके साथ जुड़े हैं। बॉडी और मन का एक बहुत गहरा ताना माना है। हम कहते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड थ्रू न्यूरोकेमिकल्स, थ्रू हार्मोन्स एंड द इम्यून सिस्टम। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी स्वस्थ मन का होना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ तन करने के लिए भी स्वस्थ मन का होना बहुत बहुत अनिवार्य है। वो आपने जो कहा, ये घबराहट की वजह से ये फिजिकल सिम्टम्स में भी मैनिफेस्ट हो जाता है। बिल्कुल होता है, इसको हम सोमैटिक एंग्जाइटी कहते हैं। सोमा यानी बॉडीली और एंग्जाइटी यानी घबराहट के सिम्टम्स। क्योंकि जब आपके अंदर घबराहट है तो नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ रहा है, जब एड्रेनलिन नॉरएपिनेफ्रिन आपके अंदर बढ़ेंगे तो दिल की धड़कन तेज होगी। क्योंकि आपने क्या किया, दिमाग में आपने ऐसे बैठा लिया कि शायद सामने शेर है या ऐसी सिचुएशन है जो बहुत मुश्किल है आपके लिए शेर के माफिक, तो आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो गए। तो एग्जैजरेटिंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है, दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हो जाएंगी, हाथ पैर में पसीने आएंगे, और क्योंकि उस समय आपकी जो हाथ है पैर है उनको खूब ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें तेज दौड़ना है क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चाहिए बॉडी को। तो उस समय आप गहरी गहरी सांस लेने लगते हो, तो आपको लगता है कि मेरा हार्ट तो नहीं गया, तो आप भागते हैं इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में जाते हैं, वहां पर ट्रोप टेस्ट होता है, सब टेस्ट होते हैं, सब ठीक आता है, ECG, वो कहते हैं जी आप तो बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपके हाथ के होते हैं टेढ़े, वो कहते हैं आप ढोंग तो नहीं कर रहे कहीं, इंसान ढोंग नहीं कर रहा उस समय, क्योंकि आपने तेज तेज सांस ली, आपके दिमाग के अंदर वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी जो हालांकि इतनी थी नहीं, पर आपने कहीं ना कहीं उसे बना लिया अपने विचारों द्वारा या जानबूझकर नहीं, न्यूरोकेमिकल चेंज के द्वारा। तो फिर उसके चलते आपकी सांसें तेज इसलिए होंगी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाए, जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से कैल्शियम की कमी होगी, जिससे हाथ पैर में ऐंठन आएगी या टेटनी हम कहते हैं। ऐसा पोस्चर लेके पेशेंट्स इमरजेंसी में पैनिक स्पेल्स लेके भी आते हैं, और अल्टीमेटली डायग्नोसिस निकलता है कि इसे तो पैनिक डिसऑर्डर है, इस पेशेंट को हार्ट की एलिमेंट नहीं है। और अक्सर मैं हैरान होता हूं इसी बात पे कि कई बार साइकेट्रिक मेडिकेशन जो है जनरल फिजिशियंस भी लिख देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट लिख देते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे ना कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ तो पेशेंट हमारे पास नहीं आएगा, वो डर जाएगा, और वो लिखते हैं ताकि उसको ठीक भी तो करना है। तो फिर जब आपको प्रॉब्लम हार्ट की आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, आपको समस्या पेट की है आप गैस्ट्रिक के पास जाओगे, इसी प्रकार से जो आपका मन है, दिमाग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को चला रहा है एक प्रकार से, आपकी जीवन शैली को निर्धारित कर रहा है, तो उस क्वालिटी को आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
ये ऐसा क्यों होता है डॉक्टर कि एंजाइटी भी कभी शाम को ठीक हो जाती है, सुबह ज्यादा घबराहट होती है, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है, और कभी कभी नॉर्मल हो जाता है फिर वापस लौट आती है। ऐसा अक्सर देखा गया है, वैक्सिंग एंड वेनिंग सिम्टम्स भी होते हैं कुछ, और डिप्रेशन में खास तौर पे जो क्लासिकल सिंड्रोम ऑफ डिप्रेशन है, और क्लिनिकल डिप्रेशन की जब बात करते हैं तो उसमें जब हम सोमैटिक सिंड्रोम की बात करें तो ये देखा गया है कि सुबह के समय ज्यादा खराब रहती है तबीयत, और जैसे जैसे दिन ढलता है शाम को कुछ आराम महसूस होता है। इसको हम डायअर्नल मूड वेरिएशन कहते हैं, और ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है क्लिनिकल डिप्रेशन का, कि भाई सुबह के समय मन ज्यादा घबराया हुआ है, डरा है, उदास है, और जैसे जैसे दिन ढलता है आपको कुछ अधिक आराम महसूस होने लगता है। तो फिर आपको लगता है शाम को कि मैं तो ठीक हूं, मुझे जरूरत नहीं इलाज की, जबकि इलाज की तो आपको आवश्यकता है। जी भावना जी इज आस्किंग, देर आर चिल्ड्रन हु वर डीलिंग विद इमोशनल इश्यूज बिफोर दिस लॉकडाउन एंड नाउ इट हैज लेफ्ट देम लाइक बेबीज देमसेल्व्स एंड पेरेंट्स आर फीलिंग हेल्पलेस। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर चिल्ड्रन विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज लाइक डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस? See, the first thing, first and the foremost thing is, like we've already discussed and touched upon many of these points, I'll again reiterate and reaffirm. One is, as parents, you have got ample opportunity now to be with your children in this lockdown period. Number two, learning is not just restricted to schools and to online books. Third, you know, we tend to judge. When we tend to judge very quick, when we tend to advise very quick, that advice, that judgment is not acceptable to the child. It is very important to relate to the child first. And in order to relate to the child, we have to develop the ability to hear the child out. We have to have the ability that the child is able to communicate the emotions whether without the fear of being, you know, ridiculed or corrected there and then. So we have to be patient ourselves in terms of dealing with our children. So I say P for parent, P for super patience. You have to be super, super patient with your child. Third, fourth is give time. Listen, when the child feels that you have not ridiculed, you have not immediately jumped to an impulsive decision, you have given ample time to the child to be able to talk through his or her concerns, then the child develops a kind of a bond with you. You then give your examples of life to the child, general examples, once in a while, not with this thought ki isko abhi samjha de. अभी इसको किसी तरीके से इसके दिमाग में डाल दें। इट्स लाइक द सॉइल हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू सो द सीड। यू कैन नॉट थ्रो सीड्स इन अ सॉइल व्हिच इज नॉट येट रिसेप्टिव। सो फर्स्ट मेक द चाइल्ड रिसेप्टिव। फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट कंट्रोल योर ओन इम्पल्स टू गाइड द चाइल्ड दैट क्विक। फर्स्ट ऑब्जर्व योर चाइल्ड, ऑब्जर्व द चाइल्ड रूटीन, देन रादर देन सेइंग डू नॉट दिस, डू नॉट डू दिस दैट एंड अदर, ट्राई टू फाइंड वेज ऑफ involving the child into something which is interesting to the child based on the child's aptitude and interest. Once the child gets into that, that becomes a common platform for you to relate to your child. And then perhaps once in a while, you can pass a little advice and leave it to the child with this thought that he or she is responsible whether to accept it or whether to follow it or not. तो फिर उससे बच्चे को लगता है कि अब तो मेरे हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल आ गया है। And I always say there's a difference between hearing, listening, and following, and we have the filters in place. Everything which is heard need not be listened to. Everything which is listened to need not be followed. That control centers are with you, and if that is with you, then no one in the world, no situation, no problem, no event, no person can ever, ever create that pressure in your head because you have the key to it. So keep that key with yourself. Try to make the child learn to keep that key with himself or herself. And yes, the child can also connect to the school counselors. The child could also, if the child is in significant emotional trouble, doctors, psychiatrists, psychologists are available online for counseling and for treatment also, depending on what exactly is the problem that the child is suffering from. So one has to go and look into those details. Doctor, there are a lot of want to know how they can be in touch with you. Could you give us details of your the contact number where people can contact and make an appointment? See, for a very formal appointment, I'm available through Max Helpline also, and I also run my own clinic in Nizamuddin East. At the moment, given the COVID circumstances, we are available online, and I'll surely be sharing the numbers with you. That should not be a problem.
But my purpose was not to bring in an advertisement agenda here. I thought it is not that purpose at all. My purpose was to connect emotionally and to also learn. Whenever we interact, we learn from each other. So it is learning for me. It is learning perhaps for all of us here. When we exchange our ideas, we raise questions as human minds. And I think a we feeling over me feeling is something which takes over the rest. Thank you so much, Dr. Malhotra. I hope you will return and join us again for more sessions. I strongly believe this, that there is one aspect of our health that we are all ignoring and to our own peril, and that is mental health at this time. I think COVID, once the vaccine, the cure, all of those things come forward, will be history, will be behind us, or we learn how to live with it. But the kind of mental issues that this is going to leave behind for people, unfortunately, because this is a very unnatural situation. Let's make no mistake about that. It's very unnatural. The kind of mental issues and that are going to come from just this living situation, from losses in businesses and relationships, increased levels of anxiety. I think people like you are going to be of great service to humanity in general. And if there's one thing that I hope that comes out of this whole problem, is that it makes us all a lot more aware of the help that we need in different ways, not only physically, but also when it comes to mental health. And the stigma lifts from this issue. People are able to live a far more fulfilling, happier. And accepting of people like you who do such thing. Thank you. Thank you, Advaita, for organizing and coordinating the event. And thank you so much for all the lovely viewers. We need your blessings. And I think we would find other platforms and more platforms to be able to connect and reconnect. Thank you so much. It was indeed a learning and a sharing experience for me. Thank you so much, Doctor. Thank you. And thank you everyone for joining us. We'll be back next week. And I hope to have Dr. Malhotra back with us very soon. And if he has the time, I'm sure he's very busy, but we will try and steal an hour away from him again before this lockdown is over. Thank you so much. Thank you. Bye.